आनंद पार्ट 6। एक बार आनंद भगवान बुद्ध के पास आए और उनका अभिवादन करके नमस्कार करके एक तरफ बैठ गए। उन बैठे हुए आनंद को आवुस को भगवान बुद्ध ने देशना दी, बताया कि आनंद, अगर तुम किसी व्यक्ति को ऐसा समझो कि वो तुम्हें सुनना चाहता है, तुम उसका कल्याण करना चाहते हो, कोई अनुकंपा करना उस पर चाहते हो, चाहे वो तुम्हारा कोई रक्त संबंधी रिश्तेदार है, यानी कि ब्लड रिलेशन का कोई रिलेटिव है, या तुम्हारा कोई मित्र है जो तुम्हें मन से अच्छा लगता है, या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जो ब्लड रिलेशन में नहीं आता मगर रिश्ते में आता है, या जिसको तुम ये समझो कि इसको ये बात बतानी चाहिए, इसका कल्याण करना चाहिए, तो उसको हमेशा तीन बातों के लिए सलाह देना, तीन बातों के लिए उसे समझाना, तीन बातों के लिए उसको मोटिवेट करना। पहली बात, उसको कहना कि वो बुद्ध में अपना विश्वास रखे, अचल विश्वास रखे। अचल का मतलब है कि उसका विश्वास हिले ना, डुले ना, कंपित ना हो, कांपे ना, वो 100% अपना मन बुद्ध में रखे। यहाँ बुद्ध में विश्वास रखने का मतलब ये नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध हो गए हैं तो उनमें विश्वास करना है। यहाँ बुद्ध में विश्वास करने का मतलब जो भगवान ने, तथागत ने, भंगवंतु ने बताया है, जो ज्ञान कोई बुद्ध देता है, यानी किसी व्यक्ति को, जैसे सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई तो उनको हाईएस्ट यानी सबसे ऊंची नॉलेज और जानकारी प्राप्त हुई, मनुष्य का मन कैसे काम करता है और उसका शरीर कैसे काम करता है, दुख कैसे आता है शरीर के अंदर, मन के अंदर, और दुख कैसे चला जाता है शरीर से और मन से। तो उसको कहना कि वो बोधि में, बुद्ध में यकीन रखे, 100% विश्वास रखे, व्यक्ति में ना रखे, यानी बुद्ध जो व्यक्ति है उसमें ना रखे, उसकी बातों में रखे, उसके ज्ञान में रखे। उसको कहना कि ऐसे हैं वे भगवान, भगवान बोल सकते हैं, बाद में इसको बदलकर भगवान किया गया है, क्योंकि बुद्ध ने, बोधि ने, या जो भी बुद्ध बनता है या जो व्यक्ति अर्हत बनता है वो भंग कर देता है, नष्ट कर देता है अपने वान को, अपने पाप को, अपने तृष्णा को, और जब अपने पाप को, तृष्णा को, क्रेविंग को खत्म कर देता है, भंग कर देता है, तो भगवान बन जाता है, फिर उसके पास दुख नहीं आता। तो ऐसे हैं भगवान, यानी कि जिस व्यक्ति ने बुद्ध बना है, जिसने अपने दुख को भंग किया है, पाप को भंग किया है, वो कैसे हैं, बताते हैं कि उसकी पहचान क्या है। अर्हत हैं, अर्हत का मतलब है कि सारे पापों को नष्ट कर चुके हैं। सम्यक सम है, सम्यक सम का मतलब है पूरी तरह से जानकार हैं, और विद्या में, जानकारी में और आचरण में, यानी बिहेवियर में और एजुकेशन में पूरी तरह से कंप्लीट हैं, संपन्न हैं, और उनकी गति बड़ी उत्तम है। गति का मतलब है कि उनका जो जीवन है वो सबसे ऊंचा है, पाप रहित है, और वो अब दोबारा पैदा नहीं होंगे, यानी कि दोबारा जन्म लेने के लिए, अगला जन्म लेने के लिए जो सामग्री चाहिए दुख की या सुख की, वो उन्होंने नष्ट कर दी है। तो उनकी जो गति है, उनका जो लास्ट है जीवन का, वो बहुत उत्तम है, सबसे बढ़िया है। समस्त लोगों के, यानी कि जितने भी शरीर हैं, यानी अपना जो शरीर है उसके पूरी तरह से ज्ञाता है, उन्होंने ज्ञात कर लिया है कि शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है। तो समस्त लोग, यानी कि पूरे शरीर के, पूरे मन के, मस्तिष्क के, और इस पूरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जानकार हैं। सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छे का मतलब है कि जितने भी
मनुष्य हैं या देवता हैं। मनुष्य जो व्यक्ति पैदा होता है उसको मनुष्य बोलते हैं, जब वो सील पे चलता है पांच सील पे तो वो देवता बन जाता है। तो यानी मनुष्य में और देवता में सबसे अच्छे हैं। और जो लोग भटके हुए हैं पाप के मार्ग पे जाते हैं उनके वो सारथी हैं, यानी कि जैसे सारथी आपको सही मार्ग पे ले जाकर घर पहुंचा देता है, इस तरह से सारथी हैं यानी रथ को चलाने वाले हैं, आपको पहुंचाने वाले हैं। देवताओं और मनुष्यों के टीचर हैं, यानी कि जो पंचशील जानते हैं उस पे चलते हैं देवता लोग, मनुष्य ही देवता हैं। और जो मनुष्य अभी पाप में लिप्त हैं या नहीं लिप्त हैं मगर पांच सील पे नहीं चलते हैं, उनके शास्त्रा का मतलब उनके टीचर हैं, उनके शास्त्र को बताने वाले, आज के समय हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा में शास्त्र को बताने वाले हैं। ऐसे हैं बुद्ध भगवान, यानी कि बुद्ध भगवान की ये क्वालिटी है, वो ऐसे होते हैं। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध आनंद उस व्यक्ति जिस पे करुणा करो, जिसको इस लायक समझो कि वो आपको सुनना चाहता है, उसको कहना कि वो संघ में अपना पूरा विश्वास रखे। संघ मैंने बताया था स अंग यानी कि निज अंग, जैसे भगवान बुद्ध हैं वैसे ही उनके शिष्य सारे के सारे, वो संघ उन्होंने बनाया बिल्कुल शुद्ध संघ, ऐसा संघ जिसको देखा जा सकता है, जिसके दर्शन किए जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो भिक्षुओं का संघ है ये सुमार्ग पे चलने वाला है, यानी कि अच्छे मार्ग पर चलने वाला है। भगवान का सावक संघ यानी भगवान के शिष्यों का संघ अच्छे मार्ग पर चलता है, सीधे मार्ग पर चलता है, कभी पाप के मार्ग या टेढ़े मेढ़े मार्ग पे नहीं जाता। ये जो सावक संघ है यानी भिक्षुओं का जो संघ है, भिक्षुणियों का जो संघ है, या जिसके अंदर उपासक और उपासिका भी जो आते हैं, ये न्याय मार्ग पर चलने वाला है, यानी हमेशा ये न्याय करता है, ऐसा भगवान का सावक संघ है, ऐसा बताना उनको। और उनको कहना कि ये जो चार व्यक्तियों के जोड़े हैं यानी जो आठ लोग हैं, आठ लोग का मतलब है यहाँ पे सोतापन है, सकदागामी है, अर्हत है और अनागामी है, ये चार तरह के व्यक्ति, क्योंकि जो वहाँ सीखने आता है उसमें चार तरह के व्यक्ति होते हैं और चार पुरुष और चार नारी, इस तरह से आठ बन जाते हैं। ये आठ तरह के जो लोग हैं ये भगवान का सावक संघ हैं, यही बुलाने योग्य हैं, इनको बुलाना चाहिए, इनको अतिथि बनाना चाहिए, इनकी स्तुति करनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए, इनको देखना चाहिए और इनको हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए। यही लोग हैं जो जिनका जो खेत है यानी कि क्षेत्र है वो पुण्य वाला है, यानी इन लोगों के पास में पाप नहीं है, सारा का सारा पुण्य ही है। वो कहते हैं आनंद जो पृथ्वी धातु है, पृथ्वी धातु है, जो जल धातु है, जो अग्नि धातु है, जो वायु धातु है, धातु का मतलब यहाँ तत्व से आता है, यानी कि जल है, अग्नि है, पृथ्वी है या वायु है, कहते हैं कि वो बदल जाएगी, बदलती रहती है, परिवर्तित है, बदलती रहती है, मगर जो व्यक्ति बुद्ध में 100% विश्वास रखेगा वो नहीं बदलेगा, उसे लाभ होगा। अब यहाँ बदलने का मतलब क्या है और लाभ का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि वो जो व्यक्ति बुद्ध में 100% विश्वास रखेगा और विश्वास रखकर उस पर चलेगा, चलना भी है, उस व्यक्ति का कभी भी नरक में, पशु योनि में और प्रेत योनि में पैदा होने की संभावना नहीं है। यानी कि जो बुद्ध में विश्वास करेगा, उनकी एजुकेशन में विश्वास करेगा, शिक्षा में विश्वास करेगा, वो व्यक्ति की संभावना नहीं है कि वो नरक में पैदा हो या पशु बने या वो पिशाच बने, यानी कि प्रेत योनि में जाए, प्रेत योनि में जाए। फिर कहते हैं कि जो अग्नि है, जो धातु है, जो वायु है, जो पृथ्वी है, वो बदलेगी क्योंकि उसका धर्म बदलने का है, मगर जो संघ में विश्वास करेगा 100%, वो व्यक्ति इस बात की गारंटी है
कि उसकी संभावना बिल्कुल जीरो है, वो कभी भी ना तो पशु बनेगा, ना प्रेत बनेगा और ना ही वो नरक में पैदा होगा, यानी कि दुखों में पैदा होगा। यहाँ जो नरक का मतलब है वो नरक नहीं है जो स्वर्ग और नरक बोलते हैं, इसको पाली के अंदर निरय बोलते हैं, निरय। दरअसल स्वर्ग को पाली में सग बोलते हैं, सग से ही शब्द बना है स्वर्ग। सग सबसे पहले बोलते थे, बाद में इसको संस्कृत करके सग से स्वर्ग बनाया, और निरय पाली में बहुत पहले बोलते थे, उसको संस्कृत करके नरक बनाया, आधा रे लगाया स्वर्ग में भी, आधा रे लगाया नरक में भी, क्योंकि पाली के अंदर आधा रे तो होता नहीं। यहाँ जो सग का मतलब है, स्वर्ग का मतलब है, वो है कि जीते जी सुख लेना और दुखों से पापों से मुक्त होना, उसको सग बोलते हैं। और निरय बोलते हैं जो जिसको वेदनाएं कष्ट की आती हैं, जिसका मन बिल्कुल विचलित रहता है, परेशान रहता है, जो सो नहीं पाता, उठ नहीं पाता, ढंग से कुछ कर नहीं पाता। पेत योनि उसको बोलते हैं जो जंगलों में भटकता रहता है और मनुष्यों के साथ नहीं रहता है, जानवरों की तरह व्यवहार करता है, जानवरों की तरह रहता है और हमेशा उद्दंडी रहता है, और उसका शरीर बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा पैदा होता है, यानी मन भी खराब है और शरीर भी खराब है, मनुष्य की या देवता की तरह वो नहीं बन सकता। ऐसे बहुत सारे करैक्टर आपने देखे होंगे कि उनके शरीर तो होता है, आँख नाक कान मुँह तो होते हैं, खाते भी हैं पीते भी, देखने में लगते हैं कि ये मानव हैं, मगर उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा अजीब सा होता है, वो डिस्ट्रक्टिव होता है, हमेशा ही लोगों को उत्पात मचाते रहते हैं, नुकसान पहुँचाते रहते हैं, मारते रहते हैं लोगों को, उसमें उनको जो उनका बिहेवियर है वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, उनका शरीर बड़ा बेकार होता है, देखने में लगता है कि ये मनुष्य जैसे हाथ पैर होने के बावजूद भी इनमें मनुष्य जैसे चेहरे या उनके लक्षण नहीं हैं, ऐसे को पेत बोलते हैं। और जो निरय होता है वो जीवन में जीते जी जो कष्ट होता है, या अगले बर्थ में भी जब जाता है तो निरय वाला कष्ट ही पाता है अगले बर्थ में भी। और पशु योनि वो होती है, पशु बोलते हैं, सह संसार वाला है, जिसमें मनुष्य की तरह जन्म ना लेके बाकी चौपाया या तिपाया या बहुत सारी टांगों वाला या बिना टांगों वाला या एक इद्दी वाला या दो इद्दी वाला, इद्दी माने इंद्रियां, यानी एक सेंस वाला, दो सेंस वाला, तीन सेंस वाला। कैसे एक सेंस दो सेंस वाला? किसी जीव की सिर्फ कान नहीं है, किसी जीव की आँख नहीं है, किसी जीव की स्किन सिर्फ काम कर रही है, किसी जीव के पास में नाक नहीं है, किसी जीव के पास में जीव के अंदर स्वाद की इद्दी नहीं है, यानी हमारे पास पांचों सेंसेस हैं, मगर सारे जानवरों के पास पांच सेंस नहीं होते, तो वो पशु योनि में होते हैं, मनुष्य नहीं होते। तो बुद्ध कहते हैं कि आनंद इस बात की गारंटी है कि पृथ्वी बदल जाएगी, वायु बदल जाएगी, जल बदल जाएगा, अग्नि बदल जाएगी, मगर जो व्यक्ति संग में और बुद्ध में विश्वास करेगा, उनकी एजुकेशन पे चलेगा, खाली विश्वास करने से बात नहीं बनेगी, विश्वास करेगा और अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, चलेगा, वो व्यक्ति ना पेत बनेगा, ना उसका नरक में जन्म होगा यानी कि दुखों में जन्म होगा, और ना ही वो व्यक्ति किसी भी हालत में पशु बनेगा, ऐसा उसका कल्याण करने के लिए आप उसको बता सकते हैं। धन्यवाद।